तो कल हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक कंप्लीट करेंगे और आज ये प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x बटा साइन 4x साइन 3x प्लस साइन 2x और बराबर में हमें क्या लाना है, कॉट 3x लाना है। मतलब LHS से चलना है और RHS के मान को लाना है, ठीक है। तो हर सवाल की तरह लिखेंगे LHS से और LHS के मान को उतार देंगे। तो आप देख रहे हो कि किसका मान उतारा गया है, नीचे ये किसका मान है। अब यहाँ पे हमने काम क्या किया है कि सम संख्या वाले को एक जगह कर लिया है और विषम संख्या वाले को अलग कर दिया है। सम संख्या का अर्थ हुआ कि जिसमें 4x हो और 2x हो उसको एक जगह कर दिया गया और 3x वाले को अलग कर दिया गया है। कैसे, देखिए यहाँ पे cos 2x है और यहाँ पे cos 4x है। अब इन दोनों को एक जगह लिखा गया है cos 4x प्लस cos 2x और cos 3x जो बीच में है इसको क्या किया गया है, साइड में अलग लिख दिया गया है। समझ पा रहे हो बात को, cos 3x को क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है और cos 4x और cos 2x जो सम संख्या है, 2 और 4 कौन संख्या होता है, इसको एक जगह लिख दिया गया। अब ठीक उसी तरह नीचे भी साइन 4x प्लस साइन 2x, साइन 4x प्लस साइन और ये 3x वाले को क्या किया गया है, अलग लिख दिया गया है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब ऊपर वाला देख लीजिए, ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस कॉस बी और नीचे वाला बन गया साइन ए प्लस साइन बी। और कल आप लोगों को ये दोनों फार्मूला लिखवाया जा चुका है तो बार बार फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, याद हो जाना चाहिए। तो ऊपर वाले को हम कॉस ए प्लस कॉस बी के रूप में सजा देंगे और नीचे वाले को साइन ए प्लस साइन बी के रूप में सजाएंगे। आप देखिए तो कॉस यहाँ पे ए का मान क्या होगा, 4x और b का मान क्या होगा, नीचे भी a का मान क्या होगा और b का मान 2x होगा। इतना तो समझ में आ गया ना कल का। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कहता है cos a प्लस cos b का कि 2 cos a प्लस b बाई 2। कल फॉर्मूला लिखवाए थे कि 2 cos ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई, तो 2 cos ए प्लस बी करेंगे, 4 को x में 2 को x जोड़ेंगे तो कैगो एक्स होगा, तो डायरेक्ट 6 x लिख सकते हैं और बटा में क्या लगाना है, 2। अब फिर घटाना है, दूसरे बार में क्या करना है तो बताइए, 4 को x में से 2 को x घटाएंगे तो कैगो एक्स आएगा, 2 x आएगा ना जी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 x और बटा में क्या है, 2 और जो साइड में cos 3x है इसको उसी तरह उतार देंगे। बोलिए ऊपर वाले लाइन में कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। अब नीचे वाले में आते हैं, नीचे वाला है साइन ए प्लस साइन बी के रूप में, साइन ए प्लस साइन बी के रूप में, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a plus b by 2। तो 4x में हम 2x जोड़ेंगे तो 6x बटा में, और फिर होता है cos a minus b by 2,
तो कॉस का कॉस ए में से बी घटाइए, 4x में से 2x घटाएंगे तो अब बटा में 2, तो 2x बाई 2 और ये साइन 3x का क्या उतार देंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब कटाएंगे, क्या करेंगे, अब कटाएंगे दू तिहाई तो 2 cos 3x हो गया, दू से तो cos x, इधर क्या बचा है cos 3x, नीचे वाले में उसी तरह दू तिहाई आइए 2 से तो इधर बच जाएगा 2 sin 3x और इसमें cos x और बगल में sin 3x। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ देखिए, दो पदों में ऊपर और नीचे दो दो पदों में बटा हुआ है, कितने पदों में बटा हुआ है, एक पद है ये और एक पद है ये, नीचे वाले में एक पद है ये और एक पद है ये। पद की बंटवारा प्लस और माइनस से होता है, किससे होता है, प्लस और माइनस से होता है, गुणा और भाग से नहीं होता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए इसमें कितने पद हैं तो क्या कहेंगे, दो पद है, एक एक्स है और एक वन है, लेकिन यहीं पर कहा जाए कितने पद हैं, एक ही पद है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में प्लस माइनस नहीं है। तो वही बात है, इसमें भी दो पद हैं। अब दोनों पदों में देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, आप ध्यान से देखिए, तो इसमें cos 3x है ना, बताइए इसमें cos 3x है कि नहीं जी, कॉमन ले सकते हैं, अच्छा नीचे वाले में क्या कॉमन है, sin 3x, क्या है जी, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर वाले में से cos 3x और नीचे वाले में से sin 3x। जब कॉमन निकाल लिए तो इसमें से तो cos 3x निकल गया है, तो क्या बचा यहाँ पे 2 और क्या बचा, तो 2 cos x, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1, याद रखेंगे कुछ भी नहीं बचता है तो क्या लगा देते हैं, फिर नीचे वाले में sin 3x निकल गया है तो 2 cos x और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, तो 2 cos x + 1, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 cos x + 1 से 2 cos x + 1 क्या होगा, कट जाएगा, कटेगा ना, एक जैसे हम क्या हो जाते हैं, तो ऊपर क्या बचा cos 3x / sin 3x का सूत्र क्या होगा, cot 3x, क्योंकि cos बटा sin क्या होता है, cot होता है। कल भी ये फॉर्मूला बताए थे कि cot x का सूत्र क्या होता है, cos x / sin x, तो यहाँ पे है cos x 3x / sin, तो cos बटा sin का हो जाएगा cot और 3x का 3x, और हमको लाना क्या था cot, तो इसलिए LHS बराबर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है जी, चलिए उतार लीजिए। आइए 22 नंबर सवाल को समझते हैं। 22 नंबर सवाल है कि cot x (cot 2x - cot 2x - cot 3x - cot 3x - cot x = 1। ये जो सवाल है ना, ये सब सवाल से थोड़ा सा अलग है, इसमें LHS RHS कुछ भी लेके नहीं चला जाएगा, इसमें अपने मन से कुछ मान कर चला जाएगा और उसके द्वारा लास्ट में हम दिखा देंगे कि इतना के बराबर में क्या होता है, एक होता है, ठीक है। जैसे आप हमने माना है कि cot 3x, क्या माना है, हम चाहें तो cot का cot लिख के 3x का जगह 1x + 2x लिख सकते हैं, क्योंकि 1x और 2x कितना होता है,
थ्री एक्स होता है ना। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे कॉट एक्स प्लस वाई का, कॉट एक्स प्लस ए प्लस बी भी कह सकते हो, एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपकी किताब में भी ये फार्मूला दिया हुआ है सब पीछे। देखिए जितना भी फार्मूला इस चैप्टर में आया ना, सारा का सारा फार्मूला आपकी किताब में दिया है पीछे, आप लोग देख सकते हो। जहाँ पे तीन पार्ट ख़त्म होता होगा लास्ट में एकदम, वहाँ पे सब एक के जगह लिखा होगा फार्मूला टोटल, और उसी में आप लोगों को फार्मूला मिलेगा कॉट एक्स प्लस वाई का फार्मूला, कॉट एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कॉट एक्स का, एक्स प्लस वाई का सूत्र होता है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस वन और बटा में कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। ये फॉर्मूला किसका है? कॉट एक्स प्लस वाई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कॉट थ्री एक्स का कॉट थ्री एक्स, और इसके लिए ये फार्मूला अप्लाई कर दिए हैं। कैसे? तो फार्मूला पहले पूछ रहा है कॉट एक्स, तो कॉट का कॉट लेकिन एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान एक्स होगा और वाई का मान टू एक्स होगा। एक्स का मान एक्स और वाई का मान टू एक्स। जैसे उसमें ए और बी नहीं होता था, उसी तरह इसमें क्या है? एक्स और वाई है। तो यहाँ पे कह रहा है कॉट एक्स, तो हम लिखेंगे कॉट एक्स, कॉट वाई तो वाई के जगह क्या लिखेंगे? टू एक्स माइनस वन का माइनस वन, बटा में कॉट वाई तो कॉट का कॉट वाई के जगह टू एक्स, तो कॉट टू एक्स, और कॉट एक्स के जगह कॉट एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? तिरछा तिरछी गुणा, तिरछा तिरछी गुणा समझते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इस ऐसे गुणा करेंगे, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है ना, बोलिए। अगर एक से हम गुणा करें इन सबरे सारे अंकों में, क्या अंतर पड़ेगा इसमें? कोई अंतर पड़ेगा जी? सब उसी को क्या करेंगे? उतार देंगे। अब गुणा करेंगे कॉट थ्री एक्स में कॉट टू एक्स से, तो कॉट थ्री में कॉट टू एक्स से गुणा करेंगे तो कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट टू एक्स, उसके बीच में प्लस है कि माइनस? तो प्लस। अब कॉट थ्री एक्स में गुणा होगा किससे? तो कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ में आ रहा है बात ना? यहाँ पे हमने क्या किया है? तिरछा तिरछी गुणा किए हैं। आप देखिए कॉट एक्स इंटू कॉट टू एक्स को कॉट एक्स इंटू कॉट टू एक्स लिख दीजिए, माइनस में वन है इधर आएगा तो क्या होगा? बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस वन। उसके बाद आप ये देखिए कॉट टू एक्स इंटू कॉट थ्री एक्स प्लस में कि माइनस में? बराबर के इधर आएगा तो कॉट टू एक्स इंटू कॉट थ्री एक्स, ये प्लस में है कि माइनस में? तो इधर भी आएगा तो, और देखिए हमारा यही सवाल था कि कॉट एक्स इंटू कॉट टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स इंटू कॉट थ्री एक्स और माइनस कॉट थ्री एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर क्या लाना था? आ गया ये, तो चलिए इसको भी उतार लीजिए। ये सवाल थोड़ा अन्य सवालों से हट के है, कोई लेकिन कोई खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि टेन फोर एक्स, क्या दिया है जी? टेन फोर एक्स इक्वल टू फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा वन माइनस सिक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन का पावर, ये लेकर चलना है और ये टोटल, अब छोटा से बड़ा करना है, छोटा से बड़ा करना है। एल एच एस से एल एच एस उतार दिए, और हम चाहें तो 10 का 10 और 4x के जगह 2 गुणे 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दुना कितना होता है? 4x होता है। तो हमने 2 इंटू क्या लिखा है? 2x लिखा है। और एक फार्मूला होता है टेन 2, इसको मान लो x है, कुछ देर के लिए मान लो केवल x क्या है? 2x है। जब भी x पूछा जाएगा तो समझना क्या पूछ रहे हैं? 2x पूछा जाएगा, क्लियर? कुछ समय के लिए।
जैसे ये फार्मूला होता है टेन टू एक्स बराबर टू टेन एक्स बटा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, आप लोग अपने किताब में देख सकते हो पेज नंबर 92 पर देखेंगे तो ये फार्मूला आपको चार नंबर मिल जाएगा, ऊपर से चार नंबर। तो टेन टू और इसको कुछ समय के लिए क्या मानना है एक्स, और इस फार्मूले पर इसे सजाना है। तो फार्मूला कहता है टू टेन एक्स, पहले क्या लिखना है तो टू टेन और एक्स का क्या लिखोगे, फिर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर और एक्स का क्या लिखोगे, यहाँ पे मिस्टेक से एक्स हो गया है, क्या होना चाहिए टू एक्स, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखना है टू एक्स रखना है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो फिर से एक बार और फार्मूला बन गया टेन टू एक्स, बन गया कि नहीं, और यहाँ पर भी बन जाएगा टेन टू एक्स, दो फार्मूला, और फिर इसी फार्मूले को दो जगह रखेंगे, लेकिन अब की बार जब एक्स रखेंगे तो एक्स ही रखेंगे, टू एक्स नहीं रखेंगे। जैसे ये दो का दो और टेन टू एक्स का ये फार्मूला है ना, तो टू टेन एक्स था, ऐसे फार्मूला था ना, तो यहाँ पे टू का टू और टेन एक्स का ये फार्मूला हो गया टोटल टू टेन एक्स का। क्लियर हो रहा है बात? जैसे यहाँ पे देखिए, ये दो का आप दो लिख दिए और दो के बगल में लिख दिए किसका फार्मूला, टेन टू एक्स का। टेन टू एक्स का फार्मूला क्या होता है, क्या दिक्कत है इसमें, और फिर बटा का आप क्या लगा देंगे, बटा वन का वन, और ये टेन एक्स नहीं है, यहाँ पे टेन टू एक्स का होल स्क्वायर है, टेन टू एक्स का, तो टेन टू एक्स का फॉर्मूला आप रख दो कुछ लगा के, क्या टू टेन एक्स बटा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि उसके बाहर क्या लगा है स्क्वायर लगा है, इसी बात को हमने यहाँ पे देख लीजिए लिखा है स्क्वायर लगाए हैं बाहर। हाँ, अब कैलकुलेशन करना है, कैसे करना है देखिए, अगर कोई अंक बाहर हो तो उसके अंदर गुणा हो जाता है, तो अगर दो में हम गुणा करेंगे टू टेन एक्स में तो क्या आएगा, फोर टेन एक्स आएगा कि नहीं आएगा, अब बटा में क्या है वन माइनस, ऊपर अब कोई दिक्कत नहीं ना है, ऊपर किसी को दिक्कत है, बोलिए। अब नीचे वाला ये वन का वन स्क्वायर का अर्थ समझते हैं, अगर ये बड़ा कोष लगा है ना तो इसका अर्थ है कि स्क्वायर ऊपर वाले के भी साथ है और ये स्क्वायर नीचे वाले के भी साथ है, ऐसा नहीं होता है कि केवल ऊपर के हैं, नीचे भी है और ऊपर भी है, तो हम दोनों में अलग अलग कर देंगे। ये टू टेन एक्स है तो जब कोष हटाएंगे तो टू टेन नहीं होगा, टू टेन स्क्वायर एक्स होगा, तो लिख देंगे हम टू टेन स्क्वायर एक्स, और सॉरी एक और मिस्टेक हो गया यहाँ पे, टू टेन एक्स का स्क्वायर करेंगे तो दो का भी स्क्वायर होगा, दो दूना है और टेन का भी होगा तो क्या होगा चार टेन स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ पे लिख देंगे बटा में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स है ना, उसको उसी तरह लिखे उसमें क्या लगा दिए स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत इसमें। आप देखिए ये चार टेन एक्स का चार टेन एक्स, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये नीचे काम हुआ है एक के बटा में कुछ भी नहीं तो क्या है, और इसके बटा में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का क्या है होल स्क्वायर, जब इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो पहले लघुतम निकालना पड़ता है, तो एक और इसका लघुतम क्या होगा यही हो जाएगा, एक का कोई लघुतम नहीं होता है, समझ रहे हो बात को, और क्या करेंगे कि इस अंक से हम इसमें क्या करते हैं गुणा कर देंगे, जैसे मान लीजिए एक माइनस एक बटे दो है तो दो एक का लघुतम, तो दो से एक में क्या होता है तो ऐसे आता है ना, उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो एक से किसी अंक में गुणा करने पर कोई परिवर्तन होता है क्या उसमें, तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर हम क्या करेंगे उतार देंगे, ठीक है, और ऊपर इसके क्या है माइनस चार टेन स्क्वायर, उसको उसी तरह उतार देंगे। अब डबल बटा है तो आप लोगों को पता है कि ऊपर वाले में तो कोई बदलाव नहीं होता है, ये जैसे वैसे उतार देते हैं, लेकिन नीचे वाले में ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे। ये पलट जाता है, ये ऊपर चला जाएगा और ये देखिए अब ये नीचे से यहाँ ऊपर चला है और ये ऊपर वाला कहाँ चला गया है नीचे चला गया, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा
फिर से ये जैसे है वैसे हमने उतार दिया। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है? किसी अंक के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो इसका अर्थ है कि इसे आपस में कई बार गुणा करना है, दो बार। तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का हम कई बार गुणा करेंगे, दो बार कर दिए। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसे किस फॉर्मूले पे तोड़ेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद ही होगा आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ये भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम करते हैं इसका, इसमें ए का मान एक है, ए का मान तो ए स्क्वायर क्या हो गया प्लस बी का मान टेन स्क्वायर एक्स है, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए। तो इसमें ए का मान एक है, ए का मान कितना है तो एक का स्क्वायर, बी का मान टेन स्क्वायर एक्स है तो उसका स्क्वायर, और टू ए फिर ए का मान एक और बी का मान टेन स्क्वायर एक्स है। तो ये हमने तोड़ा है इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ तक, अब बच गया माइनस चार टेन स्क्वायर एक्स का, माइनस चार टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? कुछ पूछना है इसमें? थोड़ा सा है लंबा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स एक नीचे है और ऊपर कैगो है, एगो से वो कटा दें, कटा सकते हैं जी। तो बचा यहाँ पे ऊपर क्या है, चार टेन एक्स, और एक क्या बचा उसको लिख दिए हैं, ठीक है। एक का स्क्वायर कितना होगा, मतलब एक में एक से गुणा होगा तो कितना होगा, एक होगा। ये घात से घात में गुणा होता है, टेन स्क्वायर एक्स कई बार है, तो दो बार गुणा होगा ना, तो दो गो टेन है, दो गो टेन मतलब टेन पावर फोर एक्स, समझ गए। अब यहाँ पे टेन का पावर फोर एक्स, दो एकम टेन स्क्वायर एक्स तो टू टेन स्क्वायर एक्स, और माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऊपर वाला जैसे है वैसे क्या किए हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये एक का एक माइनस दो गो टेन स्क्वायर एक्स, माइनस चार गो टेन स्क्वायर कैसे होता है, आइए टेन का पावर फोर एक्स लास्ट में लिख सकते हैं। हमको लाना क्या था, यही ना लाना था, देख लीजिए किताब में। तो एल एच एस बराबर, ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पर 2x कर दीजिएगा, चौबीस नंबर एल एच एस का मान है कॉस फोर एक्स है, क्या है जी, जिसको लाना है वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लाना है। हम चलेंगे एल एच एस से, और जिस तरह इसके पहले वाले सवाल को दो पार्ट में तोड़े थे, जैसे कि वहाँ पे चार एक्स था तो हमने क्या लिखा था, दो गुणे टू एक्स, इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे। ये दो का दो और फिर टू एक्स, तो दो दूना चार एक्स, और ये फॉर्मूला बन गया कॉस टू एक्स, क्या बन गया, कॉस टू एक्स बन गया, ठीक है। वो टेन टू एक्स था, ये कॉस टू एक्स। अब कॉस टू एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, कॉस टू एक्स बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, ये भी आपका फॉर्मूला उसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले पर अब इसको सजाएंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो
तो टू कॉस स्क्वायर और एक्स का जगह, क्योंकि एक्स का मान कितना है माइनस वन का माइनस वन, और उसके बाद से ये दो का दो, फिर कॉस स्क्वायर टू एक्स हो गया। क्या हो गया? तो समझिए कि वो कॉस स्क्वायर टू एक्स नहीं है, वो कॉस टू एक्स है और उसके बाहर क्या लगा है, तो फिर से कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। जिस तरह इसके पहले वाले सवाल में एक बार हमने टेन टू एक्स का फॉर्मूला लगाया और फिर दोबारा टेन टू एक्स का फॉर्मूला, उसी तरह इसमें कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर से कॉस टू एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे ये दो का दो कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर टू एक्स और वन। अब यहाँ पे दो का दो कॉस टू एक्स है, तो कॉस टू एक्स का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसका पावर कितना लगा देंगे दो माइनस वन। इसके बाद काम ये है कि इसको मान लेंगे ए, इसको मन में क्या मान लेंगे और इसको मान लेंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का, माना कि नहीं बना। तो जहाँ पर ए पूछेंगे वहाँ पे टू कॉस स्क्वायर एक्स, और जहाँ पर बी पूछेंगे वहाँ पर एक रखना है, ठीक है ना। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी बताया है, याद भी होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। अब उस पर इसे तोड़ेंगे, तो ये दो का दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये ए हुआ और ये बी, तोड़ दिए ना, लास्ट में क्या बचा माइनस एक का माइनस एक, उतार देंगे। उसके बाद हमारा काम होगा कि ये दो का दो, अब स्क्वायर लगा है तो दो में भी है और कॉस स्क्वायर एक्स में भी है, तो दो का स्क्वायर कितना होता है चार, आइए दो दूना घात से घात में गुणा हो जाएगा, तो कॉस का पावर चार एक्स, एक का स्क्वायर कितना होगा एक, आ दो दूना चार में एक से गुणा हो तो चार, आ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन का माइनस वन, ठीक है ना। अब जो बाहर अंक है उससे बारी बारी सब में क्या होगा गुणा होगा, तो दो चौका आठ कॉस का पावर फोर एक्स, दो एकम माइनस का दो चौका कॉस स्क्वायर और माइनस वन का माइनस वन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो प्लस में है, तो उससे पहले हमने किया कि दो में से एक घटा दिए हैं, दो में से क्यों क्या किए हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा और उसके बाद ये बचा तो इसको उतार दिए और ये बचा तो इसको उतार दिए, ठीक है। अब आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो, तो एक का तो एक उतार देंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, दोनों में आठ है, दोनों में, और ध्यान से देखिए तो दोनों में कॉस भी है, दोनों में इसमें दो ठो कॉस है और इसमें चार है, तो कॉमन कितना लिया जा सकता है दो लिया जा सकता है, अधिक से अधिक, क्योंकि कॉमन का अर्थ होता है कि दोनों में से निकलेगा बराबर बराबर, कम या अधिक नहीं निकलेगा। तो हम आठ भी कॉमन लेंगे और कॉस स्क्वायर एक्स भी, तो यहाँ से आठ निकल गया, यहाँ पे चार गो था दो गो निकल गया, तो कै गो बचेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स ये पूरा पूरा निकल गया है, कुछ नहीं बचेगा तो एक लगा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद एक का एक कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, उल्टा आ रहा है ना, जो प्लस में होना चाहिए वो माइनस में, जो माइनस में होना चाहिए वो प्लस में। तो क्या करते हैं कि प्लस माइनस में चला जाए और माइनस प्लस में, क्या करते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं माइनस कॉमन लेंगे, तो प्लस वाला माइनस होगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या था, हमने क्या कर दिया उसे, बस ये माइनस वाला क्या हो गया और ये प्लस वाला माइनस, अब सीधा हो गया ना। अब एक का एक कॉस आठ कॉस स्क्वायर एक्स का आठ कॉस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद हम सीधा कर देंगे इसे, एक का एक आठ का आठ साइन स्क्वायर एक्स को पहले लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला में यही पूछ रहा है, आरजेस में क्या पूछ रहा है कि पहले क्या होना चाहिए और कॉस स्क्वायर एक्स को बाद में, तो हमारा आ गया एल एच एस बराबर, यही हमको लाना था।
थोड़ा सा प्रोसेस इसका भी लंबा है, बट फार्मूला पे थोड़ा सा कमांड होगा तो कोई ये भी नहीं है कि नहीं बन पाएगा। चलिए उतार लीजिए। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ये, कॉस सिक्स एक्स। क्या है जी? कॉस सिक्स एक्स। इसके पहले क्या था? फोर एक्स था, अब ये क्या है? और ये 32 कॉस का पावर 6x, 48 कॉस का पावर 4x और 18 कॉस का पावर 2x और -1। ये x नहीं रहेगा, ठीक है। चलते हैं LHS से, उतार दिए। कॉस का क्या लिख दिए? जैसे कि 4x रहता था तो हम 2 गुणे क्या लिखते थे? ऐसे लिखते थे ना। अब क्या है तो इसके जगह 3 गुणे 2x नहीं हो जाएगा? 3 दूना हो जाएगा ना, तरीका वही है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 3x लगेगा, क्या लगेगा? कॉस 3x, उसमें था कॉस 2x और ये है 3x। तो 3x के लिए फार्मूला अलग होता है, वो होता है 4cos³x -3cos x, ठीक है ना। अब इस फार्मूले पे सजा देंगे, मतलब कोई भी सवाल नहीं बना हो जिसमें फार्मूला ना लगा हो। ये लास्ट सवाल तक आपने देखा बिना फार्मूला कोई सवाल बना है, तो फार्मूला चाहिए। और इसके लिए फार्मूला जितना लिखवा दिए हैं सवाल में उतना ही काफ़ी, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। तो चार काम लिखेंगे, 4 कॉस एक्स कह रहा है तो कॉस एक्स का मान क्या होगा? कॉस 2x और उसका पावर कितना है? 3 का, और कॉस एक्स का जगह कॉस 2x, क्योंकि x का जगह क्या है? 2x, मतलब कॉस एक्स का रहा है तो कॉस का कॉस और x की जगह 2x। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो 4 का 4, अब ये फार्मूला बन गया कॉस 2x, किसका फार्मूला? तो दोनों जगह किसका फार्मूला रखेंगे? ठीक, इसके पहले वाले सवाल वाला, इसके पहले वाला सवाल वाला देख लीजिए। कॉस 2x का फॉर्मूला 2cos²x - 1, 2cos²x - यहाँ पे 4 का 4 और कॉस 2x का 2cos²x - 1, 3 का 3। यहाँ पे किसी की वैसे रख भी सकते हैं लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको उसी तरह उतार देंगे। और आपको यहाँ पे देख लीजिए, इसको a मानना पड़ेगा, इसको a माइनस बी का होल क्यूब के फार्मूले पे, वैसे इसका फार्मूला हम लिख दिए हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² ये किसका फार्मूला है? a माइनस बी का। अब जहाँ पर a पूछे वहाँ पर 2cos²x रखना है, जहाँ पर b पूछे वहाँ पर, समझ गए ना, अब फार्मूले पे इसे रखते हैं। यहाँ पे 4 का 4 फार्मूला a क्यूब क्या? तो 2cos²x का होल क्यूब, b क्यूब 1 का क्यूब, क्योंकि a ये है और ये b है। फिर फार्मूला कह रहा है माइनस, तो माइनस 3 का, अब बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? गुणा लगा देते हैं। a का मान 2cos²x, उसमें क्या लगाएंगे? स्क्वायर। b का मान 1 प्लस का 3 का, ए का मान 2cos² और बी का मान 1 का स्क्वायर। सब सजा दिया गया, जहाँ पर ए कह रहा है वहाँ पे 2cos²x और जहाँ पर बी कह रहा है वहाँ पर 1 रखेंगे। और उसके बाद आप ध्यान से देखिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि cos 2x ना रहने दो, यहाँ पे आप भी फार्मूला लगा ही दो उसका, 2cos²x - 1। तो 3 से 2 में गुणा होगा तो 3 दूना 6cos²x होगा और माइनस है तो माइनस ही होगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? और 3 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे लास्ट में जब उतरवाएंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप साइड में 3 लगा है और 6cos²x है,
चलिए, चार का ये दो कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब का अर्थ हुआ कि तीन बार इसे गुणा कर रहे हैं। कई बार तीन बार गुणा करेंगे, दो दुना चार दुना आठ, दो गो एक कॉस एक्स, दो गो कॉस एक्स और दो गो होगा ना आठ कॉस का पावर छ एक्स। यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया आठ कॉस का पावर, एक का क्यूब का अर्थ होता है एक में कई बार गुणा है, तो कितना आएगा एक ही आएगा। तीन का ये दो का स्क्वायर कितना होगा और दो दुना पावर भी चार हो जाएगा, एक का कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि तीन से एक में गुणा करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा। तीन दुना छ कॉस स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होगा तो एक से कोई अंतर नहीं पड़ता है और ये बच गया उसको उतार दिए। अब कोष्ठ हटाएंगे, क्या करेंगे तो कोष्ठ हटाने से पहले चार से इस सब में बारी बारी से क्या करेंगे जी गुणा कर देंगे। अब आइए गुणा कर देते हैं, चारा बटे कॉस का पावर चार एकम आई तीन चौका और बारह चौका अड़तालीस, कॉस का पावर और छः चौका कॉस स्क्वायर एक्स, ये जैसे वैसे उतार दीजिए। उसके बाद ये जैसे है वैसे उतार दीजिए, माइनस में चार इसको प्लस में तीन में घटा दीजिए, तो तीन से चार घटेगा तो क्या आएगा, और उसको हमने कहाँ लिख दिया है लास्ट में, अंक वाले को क्या करते हैं लास्ट में कर देते हैं। तो अब बच गया ये तीन को, यही ना बचा। अब इसमें देखिए कौन का घात है जो एक समान है, इन दोनों का घात क्या है दो दो है ना, तो ये जुटेंगे या घटेंगे, लेकिन ये चार वाला नहीं जुटेगा क्योंकि चार वाला अलग है, तो चार वाला अकेले है तो उसको उसी तरह क्या करेंगे हम 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 कॉस स्क्वायर, और हमें लाना क्या था यही लाना था, समझे। तो आप लोग अपने से इसे प्रैक्टिस करें, एक से दो बार बनाएं, आराम से ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कल हम लोग चालू करेंगे 3.4 त्रिकोणमिति का अंतिम चैप्टर है वो, चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा।